दोस्तों नमस्कार, मैं शांतनु आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टीचिंग डायरी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक्सेल में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो हेडर क्या होता है, कॉलम हेडर क्या होता है, सेल्स क्या होता है और रो को कॉलम को कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी आपको डायरेक्ट एक्सेल पे जाना है, एक्सेल सॉफ्टवेयर में मेरे को जाना है। अगर आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर आपको एक्सेल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपना जीमेल आईडी देकर इसमें साइन इन कर सकते हैं। करने के बाद आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास और एक बात बोल दूँ, अगर जब आप डाउनलोड करेंगे एक्सेल प्ले स्टोर से, आपको एक्सेल टाइपिंग करेंगे तो बहुत सारा ऐसा आ जाएगा एक्सेल रिलेटेड सॉफ्टवेयर, बट आपको पर्टिकुलर एक्सेल ही डाउनलोड करना है। एक्सेल के साथ अगर कुछ लिखा फॉर एंड्रॉयड ऐसा कुछ लिख रहा है तो इस पे वो वाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, बस आप पर्टिकुलर एक्सेल सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर जैसा फीचर्स पाने चाहते हैं तो एक्सेल सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करना है। तो पहले चलिए अभी मैं एक्सेल का सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल में भी इजीली कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फिलहाल इधर आप राइट साइड के ऊपर में देखिए एक क्रॉस का बटन है, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए क्लिक करने के बाद ऐसा बहुत सारा वर्क अभी आ गया है। अभी पर्टिकुलर अभी देखिए मेरे को अभी सीखना है, ठीक है, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है एक्सेल के बारे में तो मेरे को सीखना है। तो मैं ऑनली नॉर्मली क्या करूँगा, एक ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैंक वर्कबुक को, ठीक है। अभी मैं ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर दिया, तो इधर से देख रहे हो अभी ब्लैंक वर्कबुक है। अभी इधर आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अभी एंट्री करने से पहले आपको जानना है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए पड़ेगा आपको। तो अभी आप देख रहे हैं इधर दो टाइप का लाइन होता है, एक देखिए वर्टिकुलर में है और एक हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। अभी जो जितना वर्टिकल है, देखिए अभी ए लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है, बी एक वर्टिकल लाइन है, ऐसा बहुत सारा ऐसा वर्टिकल लाइन है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल में, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन पार्ट पार्ट होकर रखा है, ये सारे वर्टिकल लाइन को हम एक्सेल में कॉलम बोलते हैं। अभी देखिए ऐसा भी ये वर्टिकल लाइन के अभी हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में वैसा ही 1 2 3 4 5 6 ऐसा होकर हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल में, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं रो, रो एंड कॉलम। तो अभी हम जान लिया अभी एक्सेल में जो वर्टिकल लाइन होता है उसका हम कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसका हम रो बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको सवाल है कि सेल क्या होता है, सेल क्या है। अभी मान लीजिए अभी ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इसका अंदर है कि ये जो छोटा वाला पीस आ जाता है, छोटा वाला घर जो आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन में जो एक क्रिएट होता है घर, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल, ठीक है। अभी ये सेल का नाम कैसे करेंगे, ठीक है। और एक बात बोलता हूँ कि आपका हेडर क्या है, कॉलम हेडर क्या होता है, रो हेडर क्या होता है, कॉलम हेडर किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए अभी ये कॉलम में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करने टाइम वो ऊपर देखिए, ऊपर में ए में ग्रीन कलर का हो गया, तो इसको मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉलम हेडर। कॉलम का जो ऊपर में रहता है, फर्स्ट स्टार्टिंग जहाँ से होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम हेडर, ठीक है। सम टू सम रो में भी रो जहाँ से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, रो हेडर, ठीक है। अभी जान लिया आप रो हेडर कॉलम हेडर क्या है, सेल भी के बारे में जान लिए। अभी आपको बताता हूँ कि जो सेल होता है, ये जो सेल है क्या, इसको हम कौन सा नाम पुकारे। अभी मान लीजिए कोई आपको बोलेगा, क्योंकि इधर बहुत सारा सेल है, ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर एक सेल नहीं है जहाँ आपको पता है ये सेल है बोलकर, ये बहुत सारा सेल है, तो इसके लिए एक नाम इसको चाहिए। मान लीजिए अभी मेरे को कोई बोल दिया कि डाटा एंट्री कर दो, तो कौन सा किधर मैं करूँ, कौन सा सेल मैं करूँ, तो इसलिए इसका एक नामकरण किया गया, ठीक है। इसका एक नाम दिया गया, क्या है, मान लीजिए अभी मेरे को यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक है, डाटा एंट्री करना है, तो इधर मैं देख रहा हूँ फर्स्ट क्या देखना है आपको, कौन सा कॉलम पे आप है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, कौन सा कॉलम पे, तो आप कौन सा कॉलम पे, ए कॉलम पे है। अब यहाँ पर देखना है आपको कौन सा रो पे है, कौन सा रो पे, एक रो पे, दो रो पे, कौन सा रो पे है, आप दो नंबर रो पे है, इसका मतलब क्या होगा, एक कॉलम है दो रो पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइन करके हो जाता है A2,
तो इस सेल का नाम क्या होगा, ए टू, ए टू का, ए टू हो गया इसका सेल का नाम। तो इस तरह से हम सेल का नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अभी मेरे को कोई बोलेगा सी फाइव में मेरे को डाटा एंट्री करना है, ठीक है, सी फाइव में मैं पहले चेक कर लूँगा कॉलम कौन सा है, सी, सी कॉलम आ गया, मैं सी कॉलम पे आ गया हूँ। अब सी कॉलम पे कौन सा रो पे, सी फाइव मतलब कॉलम पहले रह गया सी और फाइव, फाइव मतलब रो है, तो कितना नंबर रो, पाँच नंबर रो पे है। तो मैं क्या करूँगा, पाँच नंबर रो पे क्लिक कर देता हूँ, ये इधर आ गया पाँच रो, इधर आ गया सी कॉलम, सी कॉलम पे, तो इसका मतलब क्या हो गया सी फाइव। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाटा एंट्री कर सकते हैं, आपका मर्जी जो है। आपको कोई भी पूछे भाई कौन सा सेल में, आपको बस पूछना है कौन सा सेल में एंट्री करना है, अगर वो बोलेगा डी फाइव, ई फाइव, ई सेवन, ई ट्वेल्व, एनी थिंग बोलेगा, तो आपको पहले चेक करना है भाई कौन सा कॉलम है कौन सा रो पे, ठीक है, पहला आएगा कॉलम उसके बाद आएगा रो। तो कॉलम आ गया अभी ई एफ, सब मान लीजिए अभी मेरे को ई सेवन में करना है, तो ई, ई कॉलम पे आ गया हूँ मैं, ई कॉलम पे आ गया, अभी सेवन देखना है मेरे को, सेवन रो, ई सेवन पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम रो का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना वाला हूँ कि आप अगर कुछ डाटा एंट्री करें, सपोज ये मेरा बहुत छोटा कॉलम है, ठीक है, छोटा कॉलम है, तो इसलिए मैं, मेरे को डाटा लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं कुछ डाटा इधर लिख देता हूँ, कुछ लिख दिया मैं, अभी मेरे को ये देखिए, अभी मैं लिख दिया हूँ, लिखने के बाद ये देखिए, ये मेरा कॉलम से बहुत आगे चला गया, मतलब बी की तरफ चला गया। तो अभी मेरे को क्या करना है, ऐसा ही लिखना है, बट मेरे को अभी ए कलम को बढ़ाई करना है, बढ़ाई थोड़ा बड़ा करना है, तो कैसे करूँगा मैं। तो अभी आपको नॉर्मल क्या करना है, ये जो ए हेडर, हेडर बोलते हैं जो बटन, आपका कौन सा कॉलम का हेडर जो होता है, कॉलम हेडर पर क्लिक करना है, ठीक है, ये कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर क्लिक कर दिया। कॉलम हेडर को राइट साइड में देखिए दो लाइन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, वो लाइन दोनों को आप क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा प्रेस करके इसको स्क्रॉल करना है। तो अभी देखिए ये बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या, मेरा जो लिखा था वो ए कलम के अंदर ही आ गया। तो इसके हिसाब से आप क्या कलम को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा छोटा करना है तो ऐसा, आप ऐसा करके आप बस उसका ऊपर रख के, वो दोनों जो लाइन है उसका ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको बड़ा भी हो पाएगा, छोटा भी हो पाएगा। अभी देखिए छोटा हो गया। इस तरह से आप कलम को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए रो को करना है, ठीक है, रो को करना है। अभी मान लीजिए मैं कुछ लिख दिया, ये रो अभी इतना बड़ा है, तो मैं अभी इससे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ रो को, ठीक है। रो को बड़ा करने के लिए कैसे आप करना है, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसीजर है, वैसा ही रो हेडर में क्लिक कर दीजिए। रो हेडर क्लिक करने के बाद इधर आपको देखा है, इधर दो लाइन आता है, तो दो लाइन का ऊपर थोड़ा प्रेस करिए, उसके बाद उसको स्क्रू करिए। अभी देखिए मेरा रो भी बड़ा हो गया। तो इसके हिसाब से आप रो को बड़ा भी कर सकते हैं, कॉलम भी बड़ा कर सकते हैं, रो को छोटा भी कर सकते हैं, और रो को बड़ा भी कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसीजर, एक एक्सेल में नॉर्मल जो थिंग होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हमने आपको बता दिया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, रो हेडर किसको बोलते हैं, कॉलम हेडर किसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ आपको मैं अभी बता दिया हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा, हाँ और एक बात बोल देता हूँ, अगर आपके मन में अभी भी डाउट होता होगा कि भाई ये तो आप मोबाइल में दिखा दिए, कंप्यूटर में कैसा होगा, नहीं ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसमें सब एक ही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में सब ही एक ही है। अगर आपको कंप्यूटर में भी जाना है तो ऐसा ही करना है आपको प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा ही कॉलम रहेगा, ऐसा ही रो रहेगा, ऐसा ही सेल रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, एडिटिंग भी वैसा ही होता है। अगर आपको बड़ा करना है तो वैसा ही हेडर में जाकर आप बड़ा भी कर सकते हैं, अगर कम भी करना है ऐसा भी वो हेडर में जाकर कम भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर एक के एक कलम एक्सेल में, रो रो को क्या क्या रो को कैसे बड़ा करते हैं, कलम को कैसे छोटा करते हैं, ये था पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। फिर मिलते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक्सेल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, और वो जो डाटा एंट्री करेंगे उसको एडिटिंग कैसे करते हैं।